नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्यकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। मध्यकाल में बिस्मिल्लाह खानी रस्म क्या थी, मध्यकालीन शिक्षा की पाठ्यचर्या क्या थी, कौन कौन सी शिक्षण विधियां प्रचलन में थी, शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन से थे, आदि बातों की जानकारी के लिए इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना चाहिए। यदि आप बीएड, एमएड, बीए एजुकेशन, एमए एजुकेशन या डीएलएड के छात्र हैं तो ये वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी चाहिए। और यदि आप किसी प्रतियोगी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपको अवश्य देखनी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्नों के बारे में जानकारी देंगे जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्यकाल में शिक्षा की शुरुआत किस प्रकार से हुई थी। तो देखिए, पहले भारत में बहुत सारे विदेशी शासकों ने आक्रमण किया, उसके बाद में अफगान के एक बादशाह थे, उनका नाम था मोहम्मद गौरी। उन्होंने भारत पर कई बार आक्रमण किया परंतु हर बार हार गए। हारने के बाद वो लौट जाते थे। 1192 में उन्होंने 11वीं बार भारत पर आक्रमण किया और भारत के कई राज्यों को उन्होंने कब्जा कर लिया। उसके बाद में वे दिल्ली की ओर बढ़े और दिल्ली में उन्होंने राज को हरा दिया। और हराने के बाद में उन्होंने जो यहां से लूटा था माल उसको लेकर वो अपने देश चले गए और उन्होंने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का शासक बना दिया। और यहीं से भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई। इतिहासकारों ने कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके वंशजों को गुलाम वंश की संज्ञा दी है। गुलाम वंश के बाद भारत में खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश और मुगल वंश का शासन रहा और इन्होंने अपने अपने स्तर से भारत में शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। उसने भारत में जो बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र माने जाते थे नालंदा और विक्रमशिला, उनको नष्ट करवा दिया और उन्होंने पुस्तकालयों में आग लगा दी और शिक्षकों और छात्रों को मरवा डाला। इससे क्या था, इससे जो और बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र थे उनमें व्यय व्याप्त हो गया और धीरे धीरे वो निष्क्रिय हो गए और समाप्त हो गए। तो देखिए, इतिहासकारों ने 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक के काल को मध्यकाल अथवा मुस्लिम काल की संज्ञा दी है। मुसलमान शासकों ने इस्लाम धर्म एवं संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए जिस शिक्षा प्रणाली का विकास किया उसे मुस्लिम शिक्षा प्रणाली कहते हैं। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली इसलिए क्योंकि यह मुस्लिम धर्म और संस्कृति पर आधारित थी। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में शिक्षा ज्ञान का पर्याय मानी जाती थी और शिक्षा से तात्पर्य केवल मकतब और मदरसों में दिए जाने वाले ज्ञान से लिया जाता था। इस समय में वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली भी प्रचलन में थी। बहुत ही कम ऐसे शिक्षण संस्थान थे जो वैदिक शिक्षा प्रदान करते थे क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा नहीं थी और इनके यहाँ पर ज़्यादा छात्र छात्राएँ नहीं थे। इसलिए मध्यकालीन शासकों ने इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आइए जानते हैं मध्यकालीन शिक्षा की जो प्रशासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी और वहाँ पर वित्तीय साधन क्या क्या थे। तो देखिए, मध्यकाल में मुस्लिम शासकों ने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु मकतब और मदरसों का निर्माण कराया और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की। इस समय शिक्षा पर राज्य का परोक्ष नियंत्रण था। मकतब और मदरसों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी एवं मेधावी छात्रों को यहाँ पर छात्रवृत्ति भी दी जाती थी। मकतब और मदरसों की आय का स्रोत बादशाहों से प्राप्त राशि के साथ साथ इस्लाम प्रेमियों से मिलने वाली आर्थिक सहायता भी था। आइए जानते हैं मध्यकालीन शिक्षा की संरचना एवं संगठन किस प्रकार का था। तो मध्यकालीन यानी मुस्लिम कालीन शिक्षा को दो स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा मकतब में दी जाती थी। कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्राथमिक शिक्षा कहाँ दी जाती थी। तो देखिए, मकतब शब्द जो है इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा के कुतुब शब्द से हुई है। इसका अर्थ है लिखना। प्राथमिक शिक्षा भी दो प्रकार से यहाँ पर संचालन में थी। पहली थी जनसाधारण की प्राथमिक शिक्षा जो मकतबों में प्रदान की जाती थी और वहीं पर बैठकर जो छात्र छात्राएं थे वह अध्ययन करते थे। और दूसरी थी शहजादों की प्राथमिक शिक्षा। तो शहजादों की प्राथमिक शिक्षा उनके घर पर होती थी, उनको राजपाट आदि से संबंधित जानकारी दी जाती थी। शहजादों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक मौलवी उनके घर पर जाता था और उनकी शिक्षा का विशेष ध्यान रखता था। उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती
जाती थी। मदरसा शब्द अरबी भाषा के दरस शब्द से बना है। इसका अभिप्राय है भाषण देना। अतः मदरसा वह स्थान है जहां भाषण दिया जाता है, अर्थात ऐसा स्थान जहां पर बच्चों को व्याख्यान के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। मध्यकाल में जब छात्रों का प्रवेश मकतब में होता था तो उसके लिए बिस्मिल्ला खानी रस्म होती थी, जिसको बिस्मिल्ला संस्कार भी कई जगह पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो बिस्मिल्ला खानी रस्म क्या होती है, आइए इस बारे में जानते हैं। तो जब बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था तब मकतब में प्रवेश के लिए बिस्मिल्ला संस्कार या बिस्मिल्ला खानी रस्म होती थी। बालक को नए वस्त्र पहनाकर मौलवी के सामने बैठाया जाता था। मौलवी साहब कुरान की आयतों को पढ़ते थे और बालक से कहते थे कि आप इनको दोहराइए। बालक उन आयतों को दोहराता था और कई बार ऐसा होता था कि बच्चा उन आयतों को नहीं दोहरा पाता था। तो ऐसी दशा में बालक द्वारा केवल बिस्मिल्लाह कह देना ही पर्याप्त समझा जाता था और यहीं से उसकी शिक्षा का शुभारंभ हो जाता था। बिस्मिल्लाह का अर्थ होता है अल्लाह के नाम पर। बालक के सामने कुरान का 55वां भाग तथा 87वां अध्याय रखा जाता था। मध्यकालीन शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य थे, आइए इस बारे में जानते हैं। तो देखिए, मध्यकालीन शिक्षा का पहला उद्देश्य था ज्ञान का विकास। इस्लाम धर्म के प्रतिपादक हजरत मोहम्मद साहब ज्ञान को अमृत मानते थे और मुक्ति का साधन मानते थे। ज्ञान से तात्पर्य भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान से था। कुरान शरीफ में कलम की स्याही को शहीदों के खून की स्याही से भी अधिक पवित्र बताया गया है। मध्यकालीन शिक्षा का दूसरा उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार एवं प्रसार। तो जितने भी विदेशी शासक भारत में यहाँ पर आए हैं उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार किया है और उसके लिए इन्होंने शिक्षा को अपना आधार बनाया। अगला उद्देश्य है नैतिक एवं चारित्रिक विकास। मध्यकाल में छात्रों के चारित्रिक और नैतिक विकास पर काफी बल दिया जाता था और इसके लिए यहाँ पर कठोर अनुशासन व्यवस्था थी। अगला उद्देश्य है शासन के प्रति वफादारी। यहां पर शासन संबंधी व्यवस्था के लिए भी शिक्षा प्रदान की जाती थी और वफादार सैनिक यहां पर तैयार किए जाते थे। अगला उद्देश्य है कला कौशलों एवं व्यवसायों की शिक्षा। तो मध्यकालीन समय में यहां पर कला कौशलों एवं व्यवसायों की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। साथ ही साथ यहां पर सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस्लाम धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है, इसी कारण इस्लाम धर्म के मानने वाले मोहम्मद साहब के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए पक्षधर रहते हैं। आइए जानते हैं मुस्लिम काल में शिक्षा की पाठ्यचर्या क्या थी। तो देखिए, शिक्षा की जो पाठ्यचर्या थी उसको यहाँ पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या और नंबर 2 उच्च स्तर की पाठ्यचर्या। तो देखिए, प्राथमिक स्तर की जो पाठ्यचर्या थी उसमें सभी विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाते थे और उच्च स्तर पर अरबी एवं फारसी के अतिरिक्त अन्य विषय वैकल्पिक रूप से पढ़ाए जाते थे। यानी कि उच्च स्तर पर अरबी और फारसी भाषा का ज्ञान कंपलसरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक स्तर की यहां पर पाठ्यचर्या क्या थी। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर लिपि ज्ञान, कुरान शरीफ का 30वां भाग पढ़ना लिखना, अंकगणित, पत्र लेखन, अच्छी आदि सिखाया जाता था। कुरान की आयतें रटाई जाती थी और इस्लाम के पैगंबरों और मुसलमान फकीरों की जीवनियां भी यहाँ पर पढ़ाई जाती थी। बच्चों के नैतिक विकास हेतु उन्हें शेरदादी की प्रसिद्ध पुस्तकें गुलिस्तां और बोस्ता भी पढ़ाई जाती थी ताकि बच्चों का नैतिक विकास हो सके। तो देखिये, उच्च शिक्षा की क्या पाठ्यचर्या थी, अब उसके बारे में जानते हैं। तो उच्च शिक्षा के अध्ययन की जो अवधि थी वो 10 से लेकर 12 साल के मध्य मानी जाती है। उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 लौकिक पाठ्यचर्या, इसमें अरबी तथा फारसी भाषाएं और इन भाषाओं के साहित्य, अंकगणित, ज्यामिति, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, इस्लामी कानून जिसको शरीयत कहते हैं, यूनानी चिकित्सा और विभिन्न कला कौशलों एवं व्यवसायों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। कुछ मदरसों में स्थापत्य कला एवं संगीत की भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। दूसरा पाठ्यक्रम यहाँ पर था धार्मिक पाठ्यक्रम और इसमें कुरान शरीफ, इस्लामी इतिहास, इस्लामी साहित्य, सूफी साहित्य, शरीयत जिसको इस्लामी कानून कहा जाता है को स्थान दिया जाता था। अकबर एक बहुत ही उदार शासक था। उसने मदरसों में संस्कृत भाषा, वैदिक धर्म दर्शन और वैदिक साहित्य की शिक्षा भी व्यवस्था कराई थी, इसलिए यहाँ पर कुछ हिंदू छात्रों का भी प्रवेश होने लगा था।
आइए जानते हैं मध्यकाल में कौन कौन सी शिक्षण विधियां प्रचलन में थी। तो देखिए सबसे पहली जो विधि यहां पर थी उसका नाम है अनुकरण अभ्यास एवं स्मरण विधि, और सबसे ज्यादा जो यहां पर फोकस किया जाता था वो इसी विधि पर किया जाता था। छात्रों को अनुकरण कराया जाता था, अभ्यास कराया जाता था और रटने पर काफी बल दिया जाता था। दूसरी विधि यहाँ पर थी भाषण व्याख्यान एवं व्याख्या विधि। तो जितने भी यहाँ पर शिक्षक थे जिनको यहाँ पर उस्ताद कहा जाता था वे व्याख्यान विधि के माध्यम से यहाँ पर शिक्षा प्रदान करते थे। यहाँ पर तर्क विधि भी प्रचलन में थी। इस विधि का प्रयोग दर्शन एवं तर्कशास्त्र जैसे विषयों के शिक्षण के लिए किया जाता था। यहाँ पर साथ ही साथ स्वाध्याय विधि भी प्रचलन में थी। मुसलमान बादशाहों ने मुख्य ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियां तैयार कराकर उनको यहाँ पर बड़े बड़े पुस्तकालयों में रखवा रखा था, और छात्र जो थे यहाँ पर जाकर अपना स्वाध्याय कर सकते थे, इन पुस्तकालयों में बैठकर ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। और यहाँ पर जो अगली विधि प्रचलन में थी उसका नाम है प्रदर्शन एवं प्रयोग विधि। इसके माध्यम से विभिन्न कला कौशलों विषयों व्यवसाय आदि की शिक्षा यहाँ पर प्रदान की जाती थी। मध्यकाल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी इस बारे में जानते हैं। तो देखिए मध्यकाल में मदरसों की शिक्षा का माध्यम फारसी भाषा थी, परंतु मुसलमानों के लिए यहां पर अरबी भाषा का अध्ययन भी अनिवार्य था। राजपदों पर फारसी का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता था। मदरसों में अधिकांश शिक्षण मौखिक रूप से होता था और रटने पर बहुत बल दिया जाता था। और अब हम जानते हैं कि यहां पर एक कक्षा नायिका पद्धति चलन में थी, वो पद्धति क्या थी। तो देखिए मुस्लिम कालीन शिक्षा में कुछ विशिष्ट एवं योग्य छात्रों को कनिष्ठ छात्रों को पढ़ाने का अवसर दिया जाता था, इसे कक्षा नायकीय पद्धति कहते हैं। तो देखिए जो मकतब होते थे वहाँ पर मुख्यतया एक ही शिक्षक होता था, तो एक शिक्षक बहुत सारे बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है, तो इसलिए वहाँ पर क्या होता था कि जो छात्र विद्वान होते थे, बहुत ही पढ़ने लिखने में कुशल होते थे, अच्छे होते थे, तो देखिए वहाँ पर जो दूसरे बच्चे ज्ञान प्राप्त करने आते थे तो उनको वहाँ पर पढ़ाने में वे छात्र सहयोग करते थे। कक्षा नायकीय पद्धति के दो लाभ थे। तो नंबर एक लाभ यहाँ पर था शिक्षकों की कमी की पूर्ति, तो इसके माध्यम से शिक्षकों की जो कमी थी उसकी पूर्ति हो जाती थी। और दूसरा फायदा यह था कि अध्ययन काल में ही छात्रों को यह पता चल जाता है कि उनको आगे अगर शिक्षक बनना है तो किस प्रकार से पढ़ाना होगा। आइए जानते हैं मध्यकाल में शिक्षकों को क्या कहा जाता था, छात्रों को क्या कहा जाता था और अनुशासन व्यवस्था कैसी थी। तो देखिए मुस्लिम काल में शिक्षकों को उस्ताद कहा जाता था और छात्रों को शागिर्द कहा जाता था। छात्रावास वाले मदरसों में शिक्षक तथा छात्र साथ साथ रहते थे और यहाँ पर दमनात्मक अनुशासन व्यवस्था प्रचलित थी। आपने सुना होगा कि कुछ स्कूलों में बच्चों को मुर्गा बनाया जाता है, डंडे से पिटाई की जाती है, तो ये सारी की सारी जो अनुशासन व्यवस्थाएं हैं ये मध्यकाल की देन है। मध्यकाल में इसी प्रकार की अनुशासन व्यवस्था प्रचलन में थी। गुरु शिष्य के संबंध तो ठीक थे परंतु अनुशासन के लिए यहाँ पर बहुत अधिक बल दिया जाता था। छात्रों का जीवन यहाँ पर वैदिक काल और बौद्ध काल के मुकाबले आसान होता था, क्योंकि वैदिक काल में और बौद्ध काल में छात्रों को घर से दूर रहकर पढ़ाई करनी होती थी, साथ ही उनको भिक्षा मांगकर लानी होती थी और बहुत सारे कठोर नियमों का पालन करना होता था। परंतु यहाँ इस तरह के कठोर नियमों का पालन इनको नहीं करना होता था। इनको खाने के लिए अच्छा भोजन मिलता था, रहने के लिए अच्छी सुविधाएं इनको यहाँ पर प्राप्त थी, साथ ही साथ इन लोगों को यहाँ पर नॉनवेज खाने की भी छूट थी। मध्यकाल में छात्रों को कौन कौन सी उपाधियां प्रदान की जाती थी आइए इस बारे में जानते हैं। मध्यकाल में कोई व्यवस्थित परीक्षा पद्धति नहीं थी, यानी कि यहाँ पर कोई एग्जाम कराने का ठीक सा सिस्टम नहीं था। जब बच्चे की शिक्षा पूरी हो जाती थी तो शिक्षक कह देता था कि हाँ भैया ये बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है, अच्छा खासा पढ़ लेता है, इसको अगली क्लास में भेज दिया जाए। इस प्रकार से यहाँ पर छात्रों को प्रमोट कर दिया जाता था और जो छात्र यहाँ पर विशेष योग्यता प्राप्त कर लेते थे उनको कई सारी उपाधियाँ प्रदान की जाती थी। जो छात्र इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त कर लेते थे
उनको आमिल की उपाधि प्रदान की जाती थी। जो छात्र अरबी फारसी साहित्य में विशेष योग्यता प्राप्त कर लेते थे उनको काबिल की उपाधि प्रदान की जाती थी, और जो छात्र तर्कशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र में विशेष योग्यता प्राप्त कर लेते थे उनको फाजिल की उपाधि प्रदान की जाती थी। इन तीनों उपाधियों से संबंधित क्वेश्चन अधिकांशतया प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इस बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है। मध्यकाल में कितने प्रकार की शिक्षण संस्थाएं होती थी, आइए इस बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो संस्था यहाँ पर थी उसका नाम था मकतब। मध्यकाल में मकतब प्राय मस्जिदों से संलग्न होते थे और ये एक शिक्षक होते थे। यहाँ लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते थे। मकतबों की संख्या काफी अधिक मात्रा में होती थी। प्राय अधिकांश गांवों में या आस पड़ोस के गांवों में मकतब मिल जाते थे और वहां पर जाकर छात्र छात्राएं अध्ययन कर सकते थे। तो मकतब प्राथमिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र थे। उसके बाद में जो शिक्षा का दूसरा केंद्र थे उसका नाम है मदरसा। मदरसा उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। मदरसे प्राय राजधानियों और मुस्लिम बाहुल्य बड़े बड़े नगरों में स्थापित होते थे। मदरसों के साथ साथ पुस्तकालयों और छात्रावासों की भी व्यवस्था होती थी। यह बहुशिक्षकीय होते थे और यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक पढ़ाते थे। कई विषयों का यहाँ पर अध्ययन कराया जाता था। मदरसों की संख्या मकतबों की तुलना में बहुत कम होती थी। अगले जो केंद्र है शिक्षा के उनका नाम है खानकाह। यह भी प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे और इनमें केवल मुसलमान बच्चों को ही प्रवेश का अधिकार था। अगले शिक्षा के केंद्र का नाम है दरगाह। यह भी प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे और इसमें भी केवल और केवल मुसलमान बच्चों को ही प्रवेश का अधिकार था। साथ ही साथ यहां पर कुरान स्कूल भी प्रचलन में थे और ये जो स्कूल थे ये धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र थे। इनमें केवल कुरान शरीफ की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर फारसी स्कूल भी प्रचलन में थे। यह उच्च शिक्षा के केंद्र माने जाते हैं। इनमें मुख्यतया फारसी और मुस्लिम संस्कृति की शिक्षा प्रदान की जाती थी। साथ ही साथ यहाँ पर फारसी कुरान स्कूल भी थे। यह भी धार्मिक शिक्षा के केंद्र थे। इन स्कूलों में फारसी भाषा और कुरान शरीफ की शिक्षा दी जाती थी। साथ ही साथ यहां पर देखिए अरबी स्कूल भी प्रचलन में थे। यह भी उच्च शिक्षा के केंद्र थे। इनमें केवल अरबी भाषा और इसके साहित्य की शिक्षा दी जाती थी। मध्यकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, आइए इस बारे में जानते हैं। तो देखिए, मध्यकालीन शिक्षा का जो पहला सबसे प्रमुख केंद्र था उसका नाम है दिल्ली। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सुल्तान बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा और उसने दिल्ली में मदरसा ए मुअज्जी की स्थापना करवाई थी। तो देखिए, इसके बाद में जब खिलजी वंश का शासन प्रारंभ हुआ तो खिलजी वंश के जो प्रथम बादशाह थे जलालुद्दीन खिलजी, उसने भी दिल्ली में एक शाही पुस्तकालय की स्थापना की। खिलजी वंश के एक अन्य बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के मदरसों से इस्लाम धर्म और कानून के उच्च कोटि विद्वानों को यहाँ पर नियुक्त किया था और दिल्ली आज भी मुस्लिम शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। उसके बाद में जो दूसरा स्थान आता है उसका नाम है फिरोजाबाद। खिलजी वंश के बाद भारत में 1320 में तुगलक वंश का राज्य स्थापित हुआ और तुगलक वंश के जो बादशाह थे उन्होंने अनेक मकतब और मदरसों का निर्माण कराया। इन मदरसों में फिरोजाबाद का फिरोजशाही मदरसा उस समय का एक बड़ा विश्वविद्यालय था। आज भी फिरोजाबाद मुस्लिम शिक्षा का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। इसके बाद में देखिए अगला नंबर आता है आगरा का। 1451 में भारत में लोधी वंश का शासन स्थापित हुआ। लोधी वंश के द्वितीय बादशाह सिकंदर लोधी ने दिल्ली के स्थान पर आगरा को अपनी राजधानी बनाया और उन्होंने यहां पर बड़े बड़े मदरसों का निर्माण कराया और यहां पर शिक्षा की व्यवस्था की। इसके बाद में देखिए अगला स्थान आता है जौनपुर का। तो 15वीं शताब्दी में इब्राहिम शर्की ने यहां पर बड़े बड़े मदरसों की स्थापना कराई थी। मुगल साम्राज्य के 5वें बादशाह शाहजहां ने जौनपुर को सिराज ए हिंद कहकर इसका गौरव बढ़ाया है। मुस्लिम कालीन शिक्षा का अगला प्रमुख केंद्र है बीदर। बीदर दक्षिण भारत के बहमनी राज्य का प्रमुख नगर है। महमूद गावा ने यहाँ बड़े बड़े मदरसों की स्थापना कराई थी। उसने यहाँ पर एक विशाल पुस्तकालय भी बनवाया था। मध्यकालीन शिक्षा का अगला केंद्र था मालवा। मालवा राज्य के संस्थापक महमूद ने इसे मुस्लिम शिक्षा के उच्च केंद्र के रूप में विकसित किया। मालवा में स्त्री शिक्षा के लिए एक विशेष अलग से मदरसा था। यहाँ के मदरसे कला और संगीत की उच्च शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे।
ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।